कल उन्होंने यहाँ पर तमाशा किया दूसरा हमारी एक निवेदन ये है शहर के वरिष्ठ नागरिकों को बुला के एक शांति कमेटी बन जाए कानून व्यवस्था और इन सब चीजों में बेफिक्र रहा कोई भी किसी भी पक्ष मैं मतलब ये नहीं है ना ठीक नहीं परसों हमारे पिटाई की भी है विश्वकर्मा मजदूर के साथ जो भी यही कोई बात लॉ विल टेक इट्स मतलब जो भी चीज है कोई भी किसी भी इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कम्युनिटी कास्ट ग्रुप जो भी है अगर कोई किसी भी चीज में इन्वॉल्व होगा इसके कंसिक्वेंसेस होंगे और लैंडलाइन कभी ऐसा नहीं है 112 एक ताकीद नंबर है सरकार का जो हमेशा 2400 घंटे चलता है 112 ठीक है 112 से हम सब जुड़े हुए हैं अगर कोई दिक्कत भी होती है वो हमें तुरंत डायरेक्ट करते हैं तो आपके 112 चक्कर में आया हम आपको डील के बतौर आए हैं कि छोटी छोटी सूचना विश्लेषण करते हैं उचित कदम हम आज विभिन्न राजनीतिक पार्टी के लोग जनसंगठनों के लोग शहर के बुद्धिजीवी तमाम किस्म के लोग आज इकट्ठे होकर के उन्होंने इस बात के ऊपर बड़ी अफसोस जाहिर किया है कि नू के अंदर जो घटना घटी है ये ना केवल हरियाणा बल्कि हमारे पूरे देश को एक शर्मनाक घटना घटी है और वहाँ पर हमारा ये कहना है कि जो भी लोग उस घटना के लिए जिम्मेवार हैं भले ही वो किसी धर्म किसी संस्था से हों उनको बिल्कुल उनकी पड़ताल करके जिनकी वजह से ये घटना घटी है उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए और जींद के प्रशासन से हमने ये अपील की है DC साहब से भी SP साहब से भी कि यहाँ कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटे जिससे कि हमारा यहाँ भाईचारा बिगड़े यहाँ वातावरण ख़राब हो तो दोनों अधिकारियों ने बड़े विश्वास के साथ ये कहा है कि हम बिल्कुल भी हर चीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और किसी प्रकार की अप्रिय घटना यहाँ जींद के अंदर नहीं घटने देंगे और उन्होंने कहा है कि जनता से भी सहयोग की अपील की है और हमने भी ये कहा है कि हम पूरे तौर पे एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते अलग अलग जन संगठनों के पार्टियों के नेता होने के नाते सब ने कहा है कि हम बिल्कुल शांति कायम करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे कहीं कोई ऐसी प्रकार की घटना हो जिससे कि जींद का वातावरण बिगड़े और प्रदेश का वातावरण बिगड़े। मैं फूल सिंह शोकन देखिए जो 31 जुलाई को घटना घटी वो बड़ी दुखद है अप्रिय घटना है जो कि नहीं घटनी चाहिए थी और आज जींद शहर के अति विशिष्ट व्यक्ति चाहे वो किसी भी समुदाय के थे और सभी सामाजिक संस्थाएँ और राजनीतिक पार्टियाँ सभी इकट्ठे होकर के हमारे प्रशासन से ये अनुरोध किया है और मिले हैं कि जींद शहर के अंदर शांति बनाए रखें ऐसी कोई अप्रिय घटना यहाँ ना घटे जिससे समाज में भी घटन हो और कोई बुराई फैले या कोई ऐसी घटना घटे जो कि अप्रिय हो क्योंकि ऐसी घटनाओं से हमेशा नुकसान ही होता है फ़ायदा नहीं होता और सरकार से इस बात के लिए हमारे दोनों अधिकारी चाहे SP साहब हों चाहे DC साहब हों उनको ज्ञापन दे करके सभी सामाजिक संस्थाओं ने सभी वर्गों ने ये अपील की है कि जींद शहर में शांति बनाए रखें। क्या नाम है? रघुवीर भारद्वाज सदस्य हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी।